पंजाब से लगते हरियाणा में भी पंजाबी सिंगर्स की मांग हमेशा से रही है। वैसे भी कहा जाता है कि पंजाब बड़ा और हरियाणा छोटा भाई है। हिंदी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन में 1966 में पंजाब तीन हिस्सों में बटा था, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल। खैर, पानीपत में 25 मार्च को मशहूर पंजाबी गायक बब्बू मान का लाइव म्यूजिक कंसर्ट हो रहा है, लेकिन चर्चा है कि पंजाब के गैंगस्टर ने बब्बू मान को जान से मारने की धमकी दी हुई है, इसलिए उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पानीपत में आयोजकों को ये कार्यक्रम ना करने के लिए व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहे हैं। इसकी वजह स्थानीय स्तर पर शरारती लोग हैं जो फ्री पासिस का दबाव बना रहे हैं। कोई धमकी वगैरह भी मिली? बहुत आई हैं सर, बहुत आई हैं। ये तो है ही, ये तो पानीपत का दस्तूर है सर कि कोई भी अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको तो मिलना ही मिलना, स्वाभाविक है। कोई बड़ी गैंग की तरफ से भी धमकी है? नहीं, अभी तक मान का प्रोग्राम है और कुछ सुर्खियों में भी है बब्बू सर। हमने कोई वहाँ पे कोई वो गाने नहीं गवाने जो उनसे वो गाते हैं, मतलब कि हथियारों वाले जो उनके। सर अच्छा काम कर रहा हूँ, टांग दुनिया खींच रही है, आपने भी दो चार सवाल करे हैं, मुझे नहीं पता कैसे करे हैं, लेकिन सपोर्ट मांगी मैंने आपसे। और पानीपत का नाम होएगा ना कि मेरा नाम, मेरे को पता ही नहीं बम्बिया गैंग कौन है कौन नहीं है। जिसने बब्बू मान को धमकी दी है सर, अभी तक तो मेरे पास कोई न्यूज नहीं आई, और मेरे को बाइट अभी दो दिन पहले ही मिली है। अगर उन्होंने शो नहीं करना होता तो वो बाइट ना देते हमें, मैं ये आपको बात क्लियर कर दूं। अगर उन्होंने शो ना करना होता तो वो बाइट ना देते हमें। और पानीपत का नाम रोशन करने की अपील करूंगा मैं आप सब लोगों से, ये मेरा इस मामले में सहयोग करें, मुझे अपना नाम नहीं बनाना, जिनका हूँ उन्होंने बहुत नाम दे रखा है, पहले ही बहुत है। मीडिया से बातचीत में आयोजक साई लाडली के लाडले सोसाइटी ने कार्यक्रम तय समय 25 मार्च को शाम 5 से रात 9 बजे तक सेक्टर 13-17 के ग्राउंड में होना बताया है। हालांकि आयोजक ये दावा भी कर रहे हैं कि उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है, पर कार्यक्रम होगा ही। जगह की अनुमति उन्हें मिल गई है, पर प्रशासनिक स्तर पर अभी परमिशन मिलना बाकी है। टोटल न्यूज़ पानीपत ब्यूरो।